अरे मोदी जी, एक चिप्स का पैकेट तोड़ देना, चिप्स का पैकेट। क्या गजब का तरीका निकाला है आपने दुकान रखने का। आपने तो ऑटो रिक्शा में ही दुकान रख ली। और मोदी जी, ये तो पुराना ऑटो रिक्शा लग रहा है, सस्ता मिल गया होगा कहीं पे। अरे क्या योगी जी, अगर हमारा खुद का ये ऑटो रिक्शा होता तो दिन न्यारे ही ना हो जाते। ये अखिलेश का ऑटो रिक्शा है, उसे किराया देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है। मुझे 50 रुपए दिन लेता है ये। अब दिन भर में 100 रुपए की कमाई होती है, 50 रुपए का किराया ऑटो रिक्शा का अखिलेश को देना पड़ता है। और योगी जी, आप बातों बातों में भूल गए, चिप्स तो ले लिया आपने, पैसे नहीं दिए, 5 का नोट निकालो। तो मोदी जी, अखिलेश से कहो कुछ किराया कम कर ले, ये ज्यादा मांग रहा है किराया। अरे 50 रुपए दिन तो बहुत हो गए इसके लिए। अरे इसका ऑटो रिक्शा खड़ा ही तो रहता है, डीजल पेट्रोल खर्च थोड़ी होता है। अरे योगी जी, मोदी जी को आके क्यों भड़का रहे हो? अगर खर्च होता पेट्रोल डीजल तो कमाई नहीं करता मैं। मतलब अगर मैं रोज पे चलाता तो इस ऑटो रिक्शा को, तो मेरी दिन भर की 200 रुपए की दिहाड़ी बैठती। लेकिन मोदी जी ने कहा मुझे दुकान रखने के लिए अपना ऑटो रिक्शा दे दो, किराया देता रहूंगा। मैं मना नहीं कर पाया। अरे इंस्पेक्टर राहुल आ रहे हैं, ये बड़ा परेशान करेंगे मोदी जी। अरे अखिलेश, ये तो बड़ा गलत टाइम पे आ गए इंस्पेक्टर राहुल। पिछली बार तो अपनों ने बहाना करके इन्हें भगा दिया था, आप कैसे भगाएंगे? और मोदी जी नमस्कार, क्या हाल है जी? सब कुछ ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है। ये बताओ, यहाँ रोड पे दुकान लगाना मना है, अवैध है, इसके लिए आपको दंड देना पड़ेगा। ये दुकान कहाँ, ये तो ऑटो रिक्शा है, रोड पे तो ऑटो रिक्शा का काम होता ही है। ऑटो रिक्शा रोड पे नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? चलो भाई, ऑटो रिक्शा के कागज दिखा दो। कागज दिखाओ, कंप्लीट है सारे कागज। फिर दूसरा इंश्योरेंस दिखाओ जल्दी। अरे क्या मोदी जी, ये आपने क्या बोल दिया? आप तो दुकान से बच गए, अब मेरे ऑटो रिक्शा पे चालान कटेगा, मेरे पास कोई कागज है ही नहीं। अरे राहुल सर, कागज घर पे है ऑटो रिक्शा के, इंश्योरेंस बीमा सब घर पे रह गया मेरे। चलो कोई बात नहीं अखिलेश, घर चलते हैं, ऑटो रिक्शा को स्टार्ट करो, दुकान बंद करो। ये मोदी जी सर, यहीं पे गुना निपटा लो। अरे मोदी जी सही तो कह रहे हैं राहुल जी, यहीं पे निपटा लो, धंधा पानी करने दो दोनों को, अखिलेश को और मोदी जी को, कहाँ घर ले जाओगे? अरे योगी जी, मैंने आपसे बीच में बोलने को कहा, आप सामान लो और यहाँ से जाओ दुकान से। चलो मोदी जी, मैं आज तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे ध्यान रखना, यहाँ पर दुकान नहीं होना चाहिए रोड पे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, कल मैंने आपको कुछ याद करने के लिए दिया था, याद करके लाए? अरे अखिलेश सर, कैसे याद करता, आप तो ये कहते कि स्कूल की बात कोई भी बाहर शेयर मत किया करो, आपने यहाँ बताया, मैंने यही की बात यही छोड़ दी। अजीब बातों में फांसती हो। अच्छा ये बताओ, घर का बेदी लंका ढाए, इस मुहावरे को हिंदी में उदाहरण दे के बताओ। बिल्कुल बताते हैं हम उदाहरण दे के। ये तो आपने बहुत आसान सी चीज पूछ ली मुझसे। जैसे हम इस स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन स्कूल से बाहर निकलते ही हम स्कूल की बहुत बुराई करती हैं कि स्कूल में सही से नहीं पढ़ाया जाता है, हम किसी के सामने इस स्कूल की तारीफ नहीं करते। यही होता है घर का भेदी लंका ढाए। अरे मोदी जी, कैसे उल्टे सीधे उदाहरण देते हो? अरे लालू जी, आप भाईचारे शब्द को हिंदी में वाक्य प्रयोग करके दिखाओ। जी ये तो बहुत ही आसान है अखिलेश सर जी। जैसे मुझसे कोई पूछता है दूध में आजकल पानी बहुत मिला रहे हो, तो मैं उसका जवाब देता हूँ, भाई चारा बहुत महंगा हो गया, इसलिए बिना पानी के काम नहीं चल पा रहा है, ये हो गया भाईचारा। गजब लालू जी गजब, बहुत बढ़िया वाक्य का प्रयोग किया आपने। अरे राहुल, तुम 14 फलों के नाम बताओ, फलों के। अखिलेश सर जी, आप मुझसे सबसे आसान चीज पूछती हैं। आसान है तो बताओ। नंबर 1 सेब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहुल। नंबर 2 अमरूद। बहुत बढ़िया राहुल। और आगे बताओ, आगे चुप कैसे हो गए? वैसे कह रहे थे कि तुम मुझसे सबसे आसान पूछते हो। अरे अभी 2 ही फल हुए राहुल, बताओ जल्दी बताओ, 12 फल और बताना है अभी तुम्हें। पूरे 1 दर्जन केले हो गए ना, 14, 1 सेब, 1 अमरूद और 12 केले, 14 हो गए। अगर राहुल तुम्हारे जैसे स्टूडेंट हर टीचर को मिल जाए तो उनका सीना फख्र से चौड़ा हो जाए। बहुत ही बढ़िया तरीके से तुमने 14 फलों के नाम बताए। योगी जी आप हाथी और घोड़े में अंतर बताइए। अरे ये तो बहुत ही आसान है अखिलेश सर जी, घोड़े की सिर्फ पीछे पूंछ होती है, हाथी की आगे और पीछे दोनों जगह पूंछ होती है, समझे, यही अंतर है दोनों में। क्या बात है योगी जी, छा गए तुम तो छा गए, इतनी नॉलेज है आपको, इसीलिए तो पिछली परीक्षा में आपने जिला टॉप किया है। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।